दूसरे नवरात्रों में हमारी माँ का रूप है माँ ब्रह्मचारिणी, जहाँ पे ब्रह्म का मतलब होता है तपस्या और चारिणी का मतलब होता है भाव। माता के इस रूप को नंगे पैर दिखाया गया है क्योंकि तपस्या करने के लिए उन्होंने नंगे पैर करी थी, इसलिए माता के दो हाथ में एक हाथ में कमंडल और दूसरे हाथ में जप माला है क्योंकि वो घोर तपस्या में लीन थी। ये माता का बहुत ही खूबसूरत और प्यारा रूप है। क्यों? क्योंकि इसमें माँ एक कुमारी, एक कन्या के रूप में है, क्योंकि माता ने जब भोले बाबा से अभिशाप ली थी हजारों वर्ष तक तपस्या करी थी। उन्होंने हजार वर्ष तक सिर्फ फूल और फल के ऊपर अपना जीवन व्यतीत किया था और हजार वर्ष बाद उन्होंने केवल और केवल बेलपत्र से ही अपना गुजारा किया था, इसलिए इतनी कठिन परीक्षा के बाद उन्हें भोले बाबा पति के रूप में मिले।